हेलो माय फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं एक बेहतरीन टॉपिक के साथ। टॉपिक पुराना लेकिन बहुत काम का है। तो दोस्तों, यह है शिलाजीत। बिल्कुल फेवर शिलाजीत, 99% बेहतरीन खुशबू आ रहा है। बिल्कुल खुशबू अच्छा इसका आ रहा है। तो दोस्तों, शिलाजीत क्या है, इसके फ़ायदे क्या हैं, कैसे लेना है, कौन लोग ले सकते हैं, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए शेयर करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों, ये शिलाजीत है, जैसे कि आपको इस तरह पैकिंग का दिख रहा है। ये निचला हिस्सा है, ये सामने का हिस्सा है, ठीक है। तो दोस्तों, शिलाजीत के कई सारे बेनिफिट हैं। इसके लेने के जो है तरीके बिल्कुल नॉर्मल है, कोई भी इसको ले सकता है, बट 18 साल से कम उम्र के लोग इसको न लें और जो महिला प्रेग्नेंट हैं वो महिला इसको शिलाजीत का इस्तेमाल ना करें। तो शिलाजीत के कई सारे बेनिफिट हैं। अगर देखा जाए, जिन लोगों का माइंड अच्छे तरीके से काम नहीं करता, माइंड का प्रॉब्लम है, यानी सर के अंदर कोई आपको चक्कर आता है या सर के अंदर पेनिंग दर्द होता है, तो आप शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं। या आपके हड्डियों का जॉइंट पॉइंट होता है, जैसे ये हो गया, या कलाई हो गया, या कमर हो गया, या घुटने हो गए, तो जो हड्डियों का जॉइंट पॉइंट होता है वहाँ पे पेनिंग होता है, यानी वहाँ पे दर्द होता है, तो आप शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया काम करता है, चाहे कितना भी पुराना हो, आपका दर्द दूर हो जाएगा। और शरीर के अंदर कमजोरी है, थकान है, सुस्ती है, तो आप शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं, शिलाजीत ले सकते हैं। थकान और सुस्ती कमजोरी को शिलाजीत दूर करता है। और जो लोग एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, तो जिम करने के बाद वो बिल्कुल थक जाते हैं, फिर दोबारा हिम्मत नहीं पड़ता है। तो जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वो लोग भी शिलाजीत ले सकते हैं, उनको बढ़िया से अच्छे से परफॉर्मेंस करने को मिलेगा। और सेक्सुअल प्रॉब्लम है, जिन लोगों का टाइमिंग जीरो हो जाता है, अंदर से मजबूती नहीं है, तो वो लोग भी सेवन कर सकते हैं। वहाँ पर भी बढ़िया 50% तक काम करता है, बढ़िया जो है, तो अंदर से मजबूत करता है, टाइमिंग पावर में इजाफा करता है। और शिलाजीत जो देखा जाए, तो जो जिन लोगों को कैल्शियम की कमी है, विटामिन डी की कमी है, तो कैल्शियम विटामिन डी की कमी को पूरा करता है। और शिलाजीत को लेना चाहिए कितने दिन तक, तो शिलाजीत को देखो नॉर्मली जो है बंदा अगर है तो कोई बात नहीं, 1 महीने 1.5 महीने तक ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर शिलाजीत अगर देखा जाए तो कितने दिन तक पीना है, तो आप 2 महीने 2.5 महीने तक आप जो है इसको ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये भी नहीं है कि आप जो है लाइफ टाइम पीते रहें, 2-2.5 महीने तक आप पी लेंगे तो आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी आपकी दूर हो जाएगी। अगर 2-2.5 महीने लेने के बाद में अगर आपको फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो आप जो है उसका सेवन ना करें। तो अब बात आती है लेना कैसे है। तो देखिए, आपको दिख रहा है ये है देसी चना, ठीक है। तो आपको नॉर्मली आपको अंदर से कमजोरी, सुस्ती, थकान रहती है, नॉर्मली आप लेना चाहते हैं, तो आप जो है 1 गिलास गर्म दूध के साथ में चने के बराबर आप डाल के एक टाइम आप ले लें, ठीक है। या आपको ज़्यादा अंदर से कमजोरी सुस्ती रहती है, ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2 पीस भी कर सकते हैं। ये जो पत्थर वाला होता है, ये जो पत्थर वाला होता है, इसकी तासीर ज़्यादा गर्म नहीं होती है, हल्की होती है, तो आप जो है 2 चने के बराबर आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेना कितना, बस एक ही बार आपको लेना है, एक टाइम, चाहे तो आप सुबह नाश्ते के बाद ले लें, या तो खाना खाने के बाद ले लें, या तो रात को सोने के पहले ले लें, लेकिन आपको एक ही बार लेना है। अगर आपकी फैमिली है, यानी अगर आपकी शादी हो चुकी है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप 2 बार ले सकते हैं, सुबह भी ले सकते हैं, रात को भी ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। जिनकी शादी हो चुकी है, तो चाहे तो एक जो है देसी चने के बराबर भी ले सकते हैं, चाहे तो अपना क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, ज़्यादा अगर उनको अंदर से कमज़ोरी है तो 2 पीस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा ना लें। तो जिन लोग शादी हो चुका है, जिन लोगों की फैमिली है, तो वो लोग 2 बार ले सकते हैं, सुबह और रात को। जिन लोगों की शादी नहीं हुई, नॉर्मल बंदे हैं, तो आप जो है 1 बार ले लें। कई लोगों का सवाल रहता है, भाई पेवर है, पेवर है, पेवर, तो भाई शिलाजीत, हर शिलाजीत पेवर होता है। तो देखिए, जैसे मान लीजिए हमारे पास अभी 1 किलो का ये है, अगर इसको हम धूप में रख देंगे तो ये जो है नरम हो जाएगा, अभी टाइट है बिल्कुल, तो हल्का नरम हो जाएगा, थोड़ा सा गीला भी हो सकता है। तो शिलाजीत की सबसे बेस्ट पहचान है, इसको ठंडा जगह रखेंगे अगर, तो जो है ये बिल्कुल टाइट पत्थर जैसा हो जाता है, ठीक है। और इसमें खुशबू आता है, आप सूंघेंगे तो माशाल्लाह बहुत बेहतरीन खुशबू आपको देखने को मिलेगा। और इसका जो टेस्ट होता है, हल्का सा आपको कड़वा लगेगा, ठीक है, यानी 20% तक आपको इसका जो टेस्ट होगा हल्का हल्का आपको कड़वा लगेगा। पानी में डालोगे तो पानी का कलर चेंज हो जाता है। तो कई सारे हैं तरीके जो है, लेकिन ये जो नॉर्मल तरीका, जो पत्थर वाला, इसका ये नॉर्मल तरीका है। और उसके बाद आप पियेंगे,
आप पीने के बाद खुद जो है दो चार दिन पियेंगे तो आपको कुछ अंदर से आपको फीलिंग जगेगा कि आपको फ़ायदा दिखेगा। तो इजली सी बात है, अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो खलास किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं कौन सा असली है कौन सा डुप्लीकेट, आपको मेन चीज़ बेनिफिट से होने से मतलब है। तो आप नॉर्मली जो है अगर आपको डाउट होता है किधर से भी आप ले रहे हैं तो नॉर्मली आप जो है कुछ थोड़ा क्वांटिटी में ले लें, तो चार दिन खा के देख लें, अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है फ़ायदे लग रहे हैं तो फिर आप ज़्यादा क्वांटिटी में ले सकते हैं। और खाने क्या कोई दिक्कत नहीं, आप एक महीने भी खा सकते हैं, डेढ़ महीने भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।